को सियासत छोड़ देनी चाहिए, इकतदार के लिए इतना भी नहीं गिरना चाहिए जितने मेरा ख्याल है ये दोनों भाई जो है ना, हाँ मुझे अगर दुख हो रहा है, मैं इन दोनों की बड़ी मेरे साथ बड़ा जाति तलुक भी रहा है, बड़ी इज्जत करता हूँ मैं इनकी, या करता था ये वीडियो देखने से चलिए पहले। सुना ना जरा देखा कौम को साहब। सुनाया कि जमाल लगारी साहब आज कैसे पाऊं पड़े हैं कि शहबाज शरीफ का जलसा हमने कामयाब करना है, और गोजरा वाले के लोगों को बता देना है कि डीजी खान वाले ज्यादा गैरत मानते हैं, और शहबाज शरीफ साहब भी देखें तमनदार जमाल लगारी, क्योंकि तमनदार अब यही है जनाब, और ये शहबाज शरीफ साहब जलसे कैसे कामयाब बना रहे हैं कि हमारा बयाना बिक रहा है, ये जरा बयाना पॉपुलर करने के लिए जरा सुने जमाल खान लगारी साहब क्या तकरीर कर रहे हैं। सर जी पंडित साहब जरा सुनाइएगा। रब्बुल इज्जत दा खाने काबे दा अपने प्यू दा जलसे दे में एजी कामयाबी असलम खान कर एजी कामयाबी करोगे खुदा दी कसम है पता लग मुझे गुजरा वाला करे तो ये जमाल लगारी साहब फरमा रहे थे शहबाज शरीफ अब सरेकी ने अगर मुझे मेरे ख्याल सबको समझ आ गई होगी कि वो भी बता दे उसमें क्या कह रहे हो ना कि वास्ता है आपको कुरान का, आपको काबे का, सबसे बड़ा जो वास्ता दिया है ना व्हाट यू एंजॉयड द मोस्ट, अपने बाप का हवाला दिया सर, और इनके अब्बा हजूर की शान में जो कसीदा पढ़ा था या चोटी जी, आप उन्हीं दिनों इस्लामाबाद में आप रिपोर्टिंग कर रहे थे, मैं यहाँ पे नहीं था, अभी मुल्तान में था उस वक्त, डान में था मैं, तो स्कैंडल आया था जरी फार्म का इनके खिलाफ, ये फरूक लगारी के खिलाफ, कि इनकी बंजर जमीन थी वहाँ चोटी जेरी में इनका फार्म था, इन्होंने आके हबीब यूनुस नहीं यूनुस हबीब जो था वो मेरा जो आया था उसका स्कैंडल आया था आईएसआई पेमेंट्स वाला, उसको इन्होंने करोड़ों रुपए में बेच दी थी जमीन, वो जमीन मतलब चंद लाखों की नहीं थी, वो करोड़ों में बिक गई, और जरदारी ये सारी लगारी सब सदर थे, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर थे, एक जलूस इन्होंने निकाला यहाँ से मुल्तान गए, मुल्तान से जलूस लेके चोटी टीमें लेके गए थे, और उससे फिर वो सारे स्कैंडल इतना था नहीं जितना बनाया गया, बनाया गया वहां पे गए चोटी जीरी पे, बहुत बड़ा इनके घर के बहर जहाँ पे आज ये एक अपना इसी जगह पे उन्होंने जलसा किया था, उस जलसे में नवाज शरीफ ना आए, इनके इनके लगारियों को फरूख लगारी को क्या कहा था, कौन अरवजादारी के देख के नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा, फरूख लगारी के कसीदे कैसे पढ़े गए थे जरा वो भी आपको सुना देता। की सदारत के मंसब पे ऊपर बैठा हुआ है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बददियानत इंसान है, और अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले लोग हैं, अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले ये लोग शहीद जियाउल हक का मुकाबला करेंगे, ये लोग ये पाकिस्तान के गद्दार जिसको वो शहीद कहती है अपने बाप को, उसने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए हुए, मुझे बताओ किसी खाते में नहीं आया था। ये फारूक लगारी साहब से मुतालिक जो नवाज शरीफ साहब फरमा रहे थे, अब उन्हीं के साहबजादे जमाल खान लगारी साहब क्या फरमा रहे शहबाज शरीफ के जलसे दोबारा दिखाएं, जरा वो दोबारा दिखाएं, क्योंकि इसके अंदर जो है ना साथ में ये जो भुट्टो के जानशीन बन गए हैं, और अभी वो कहते हैं 70 साल का हिसाब ले रहे हैं, तो ये जियाउल हक के मुतल्लिक ख्यालात और वो भी सारे हैं। नहीं, ये जमाल खान का दोबारा दिखा, पहले आपने सुन लिया ना नवाज शरीफ साहब के ख्यालात इनके अब्बा हजूर के बारे में जिनके वास्ते दे रहे थे, जमाल खान को दोबारा सुनाए कौन को उन्होंने कल परसों क्या फरमाया, सुनाइए सुनाइए। रब्बुल इज्जत दा खाने काबे दा अपने प्यू दा जलसे दे में एजी कामयाबी असलम खान कर एजी कामयाबी करोगे खुदा दी कसम है पता लग मुझे गुजरा वाला करे सब इक्तदार। आप देखें मैं से इसके बाद डेरा गाजी खान के गैरतमंद गयूर लोग, मैं से दाद दूंगा मैं उनको, जो ये इकट्ठे होकर जाएंगे उसी जगह पे कि जहां पे इनको गालियां देके, एक इश्तियार जनाब फरूक लगारी साहब ने अपनी मिलत पार्टी का इश्तियार दिया था उन दिनों में जब इलेक्शन हो रहा, जिस तरीके से निकाला गया था लगारी साहब को अलहदा कहानी है, जरा अगर वो थोड़ा टीवी स्क्रीन पे अगर आप कौम को दिखाएं कि जिस पीयू कहते हैं हम सरेकी में ये वाले साहब को कहते हैं, तो जरा उनका अगर इश्तियार जरा फुल पेज दिखा दें जरा पूरी स्क्रीन पे, तो पूरी कौम जरा मुलाहजा फरमाए कि उस वक्त इन्होंने फरूक लगारी साहब ने क्या इश्तियार दिया था नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ, वो ना उसमें कहते हैं हाँ ये अहले वतन को याद है सब, भाई ने बाप ने और तुमने जो लूट मचाई इश्तेहार भी दिखाए याद है सब, मोटरवे से अरबों लूटे आपने, पीली टैक्सी के चक्कर में अरबों लूटे, ये जरा कौन देखे जरा जो टैक्स बचाया अरबों में, जो माल कमाया अरबों में, एक भट्टी से 37 मिले बनते देखी तुमने, कितने अरमानों की लाशें फेंकी,
कारगिल में तुमने जीत को हार बनाया था जब वाजपेयी के आगे सर झुकाया था। तुमने ही किया था खून शहीदों का सौदा, अब तुमसे बड़ा गद्दार वतन का क्या होगा। कर्जों का बोझ वतन पर डाल के सब तुम अपनी जान बचा के भागे सोए अरब। हाँ अहले वतन को याद है सब। आज इसी फरूक लगारी साहब के साहबजादे जो हैं पूरे वो चोटी जेरी में पाँव पड़े हैं, अपने प्यू के वास्ते दिए हैं। सर ये करैक्टर है, ये किरदार है हमारी पॉलिटिकल एलीट का। मैं वैसे इस ये फैक्ट्स के साथ नहीं रिकनसाइल कर सकता। या पता जवाब क्या आएगा इनका, एक वो कहेंगे सियासत में सबसे पॉसिबल है देर आर नो परमानेंट एनिमीज, देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स,